नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक समझदारी से लिया हुआ डिसीजन जो है आपको आगे बहुत ही फायदेमंद करेगा। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका पैसा का अभाव हो, लेकिन आप चाहते हैं फ्यूचर में जो घर बनाएंगे वो छत का बनाएंगे, लेकिन अभी जो है उतना पैसा नहीं है, सिर्फ दीवार बना करके उसको जो है एस्बेस्टस का बना देंगे और फिर उसके बाद जो है उसमें आगे हम छत बनाएंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना कि अगर एस्बेस्टस का भी बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे कॉलम दे रहे हैं, लेकिन अब कॉलम दे रहे हैं तो एस्बेस्टस शीट कैसे लगेगा। तो इसी समझदारी को आज हम इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि जैसे कि आप यहाँ पर एस्बेस्टस का शीट है जो पहले घर बना हुआ था, अब इसको तोड़ के इनको जो है बनाना है आपको क्या छत, इसके ऊपर छत ढलाई करना। तो लेकिन उससे पहले आपको समझदारी क्या देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो बताएंगे। तो यहाँ पे इसमें कॉलम दिया हुआ है, याद रहे यहाँ पे जैसे जो है हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम देते हैं, यहाँ सब में कॉलम दिया हुआ है, लेकिन कॉलम का सरिया कैसे दिया है वो बताएंगे। और आप देख के अचंभा हो जाएंगे और आपको लगे काश अगर हम भी ऐसा कर लेते तो वही एस्बेस्टस का सीट वाला जो घर था उसी को फिर से बस ऊपर से ईटा हटा करके, सीट हटा करके फिर ऊपर हम छत ढलाई कर सकते थे। और यहाँ पे सरिया को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको आश्चर्य की बात यहाँ लगेगा। जरा अगर आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है और आपका जो है एक कॉलम यहाँ पे है। तो 7 फीट के हाइट में लिंटल ढलाई के बाद जैसे ही जो वहाँ गए तो उस सरिया को क्या किया, इस तरीके से सुला करके बैंड कर दिया दोनों साइड से। इस कॉलम का सरिया बैंड हो गया, इस कॉलम का सरिया इधर बैंड हो गया और यहाँ जो आपका जो कॉलम है इसका भी इधर बैंड कर दिया। और हर जहाँ जहाँ कॉलम है सबको दीवार के ऊपर ही जो है बैंड करके रख दिया गया है ना, कमाल चीज। फिर इसके ऊपर अब क्या किया गया था कि ईटा जुड़ाई कर दिया, ईटा जुड़ाई करके स्लोप में डाल करके एस्बेस्टस शीट लगा दिया। अब लेकिन जब पैसा का जुगाड़ हुआ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बैंड है ये, तो जब पैसा का जुगाड़ हुआ अब इसको सिंपल सा क्या करना है, इस सरिया को सीधा कर देना, सीधा करके फिर इसके ऊपर कॉलम का सेंटरिंग करके जो है जैसे आप देख रहे हैं उसको हम लोग छत की उसके ऊपर ढलाई कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें कुछ इसी तरीके से, अब यहाँ पर ये सब सारा सरिया को जो है सीधा कर रहे हैं। अब इसमें लैपिंग लेंथ आराम से मेरा मिल गया, वो भी लिंटल लेवल में मिल गया। बताइए लिंटल लेवल में अगर लैपिंग मिलता है तब तो और बल्ले बल्ले, तो उसका तो और भी आगे एक्सटेंड किया गया। हम बात कर रहे हैं इसकी, देखिए यहाँ पे ये सब जो है ये इस कॉलम का कुछ सरिया इधर बैंड है, इधर का किधर इधर बैंड है। तो ऐसे ही करके जो है ना ये समझदारी वाला काम होता है जो कि आप जो है कर सकते हैं। हम इसका जो है अब कुछ डिटेल में हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे किया गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो अब जरा यहाँ पे देखिए कि जब एस्बेस्टस का घर बनाया जा रहा था तो उस समय जो है आपको अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉलम है, ठीक है, तो 7 फीट ये मेरा फ्लोर लेवल हो गया, फ्लोर लेवल ग्राउंड फ्लोर लेवल, तो कॉलम हो गया इसका। अगर हम सरिया मान लिया जाए ऐसे निकला हुआ था, यहाँ सरिया आया 7 फीट के हाइट में, इसको क्या किया गया था और ये मेरा दीवार है मान लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको जो है मतलब बनाया गया, ये मेरा दीवार। तो ये सब कॉलम का जो सरिया है, कॉलम का सरिया क्या किया गया था, ऐसे करके यहाँ तक आया था, इसको ऐसे करके बैंड कर दिया। ये भी सरिया कैसे लाया था, चारों सरिया के अंदर बैंड कर दिया और ये भी कॉलम का सरिया को जो है इधर बेंड कर दिया, ठीक है। ये 7 फीट की हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये आपको कितना 7 फीट का हाइट। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ईंट की चिनाई कर दिया, पता ही नहीं चला, और इसको स्लोप में ईंट की चिनाई हो गया तो मेरा एस्बेस्टस का घर बन गया। लेकिन जब पैसा आया तो फिर जा करके इस ब्रिक को, ये जो ब्रिक किए थे इसको रिमूव कर दिए, रिमूव करके जो है फिर ये जो सरिया, और रेनफोर्समेंट में कुछ भी तरह कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, ध्यान रखना चाहिए रेनफोर्समेंट में कोई ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है। तो रेनफोर्समेंट को क्या किया गया है कि इसको जो है आपको आराम से जो है डाया लगा करके सीधा कर दिया, ठीक है। माफ़ कीजिएगा मेरा
हाथ इधर उधर हो रहा है, ये सरिया को जो है सीधा कर दिया और फिर इसमें जो है आपका आराम से जो है लेपिंग लगा करके जो है इसको छत को कॉलम को ढलाई किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इसको बोलते हैं आपका समझदारी वाला काम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से किया गया, फिर इसके बाद आराम से आप इसमें जो है सेंटरिंग कीजिए और आराम से छत ढलाई कर लीजिए। तो समझ गए समझदारी वाला काम कैसे जो है एस्बेस्टस सीट वाला घर को छत वाला घर में कन्वर्ट करने का पहले से प्लान करना किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस तरह रेडी हो जाइए। अगर नहीं किए तो फिर से आपको पूरा तोड़ के जो है कॉलम डाल के घर बनाना पड़ेगा छत का, नहीं तो अगर ऐसा दिमाग लगा लेते तो भाई आप जो है पैसा। अब यहाँ पर सिर्फ जो है देखिए सिर्फ ऊपर का सीट हटाया गया, दीवार को थोड़ा सा ऊपर तोड़ करके किया गया, नहीं तभी यहाँ से फिर से फाउंडेशन करना पड़ता, फिर से कॉलम ढलाई करना पड़ता, फिर से वही खर्चा, लेकिन यहाँ पे आराम से जो है हो गया। तो दोस्तों आप लोग ऐसा ज़रूर करवाइएगा अगर ऐसा प्लान है तो। अभी पैसा नहीं है तो पहले एस्बेस्टस सीट का घर बना लीजिए, फिर पैसा आएगा छत ढलाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको आप क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।